काफ़ी टाइम से एसओएल के बच्चे परेशान हैं रिज़ल्ट को लेकर कि उनका जो रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 3-4 महीने के बाद आता है। स्पेशली थर्ड ईयर के स्टूडेंट का तो पूरा साल ही वेस्ट हो जाता है, रिज़ल्ट के चक्कर में वो किसी और कोर्स में, मास्टर कोर्स में एडमिशन ले ही नहीं पाते। किसी ने इस पर केस नहीं करा, कोई इस पर प्रोटेस्ट नहीं करता है, जो कि एसओएल की तरफ से काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है। अब आते हैं मुद्दे पर, सेमेस्टर सिस्टम पर। 26 अगस्त 2019 को, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो 26 अगस्त 2019 को एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि अब एसओएल में जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर मोड में होंगे। आपको स्टडी मटेरियल सितंबर में प्रोवाइड किया जाएगा और पीसीबी क्लासेस भी सितंबर में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा जो पीसीबी क्लासेस थी वो सितंबर से स्टार्ट होना शुरू भी हो गई, और सिलेबस भी सितंबर से ही या फिर कहें अगस्त के लास्ट मंथ से ही जो एसओएल की वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस सेमेस्टर सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते रहे, और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उन्होंने काफ़ी बच्चों को अपने प्रोटेस्ट में इंक्लूड कर लिया है और वो एसओएल डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं इस सेमेस्टर सिस्टम को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। मैंने कुछ न्यूज़ भी सुनी है कि इसके ऊपर कोर्ट केस भी हो गया है, जिसका जो डिसीजन है कोर्ट का वो जल्द ही आने वाला है कि ये सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा या नहीं। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम पढ़ाई करें या ना करें, क्या हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, काफ़ी सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रही थी एसओएल के द्वारा, ठीक है। मैं मानता हूँ एसओएल की गलती है कि उनको पहले ही बताना चाहिए था कि हम सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम दें करेंगे इस साल से, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा। लेकिन अगस्त के लास्ट वीक तक ये सभी को पता चल गया था कि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। अब दोस्तों, जिसको नहीं पता चला था वो आपकी गलती है, एसओएल की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर नोटिस दे दिया था कि अब आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होंगे। अब दोस्तों, दिक्कत ये है कि बच्चे परेशान हैं कि हम पढ़ाई करें या नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट एसओएल सेमेस्टर सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट मेरे मायने में बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी है। एक तरफ आप ये सोचते हैं कि हम रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट होना चाहते हैं सेकेंड ईयर में, और दूसरी तरफ वही आप प्रोटेस्ट करते हैं सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ। तो अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ, तो आपको फिर बिल्कुल भी हक नहीं है कि आपको रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन दिया जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये है कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, इसका जो भी इम्पैक्ट रहेगा, गुड इम्पैक्ट या बैड इम्पैक्ट, वो पूरा इम्पैक्ट एसओएल के ऊपर नहीं आएगा, वो आएगा एसओएल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरफ। यहाँ पर जो सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है ना, ये यूजीसी की परमिशन के बाद ही लाया गया है। यूजीसी की परमिशन, या आप कह सकते हैं यूजीसी ने एसओएल के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट लिखा था कि आप सेमेस्टर सिस्टम लागू करिए, अदरवाइज़ आपकी जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगी एसओएल की। इस वजह से एसओएल को सेमेस्टर सिस्टम इस साल से ही लागू करना पड़ा। अब बच्चे प्रोटेस्ट में ये कह रहे हैं कि हम सेमेस्टर सिस्टम के लिए रेडी नहीं हैं, आप इसको अगले साल से लेकर आइए। क्या आपको लगता है कि अगले साल जो नए बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर में, वो सेमेस्टर सिस्टम के लिए रेडी होंगे? दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल ये नहीं होता कि उस प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर देना, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट लड़के उसको ख़त्म करना, वहीं पर वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको दोस्तों अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, आप किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, ये सेमेस्टर सिस्टम आप ही के लिए लेके आया गया है और आप ही का बेनिफिट है इसमें, एसओएल का कोई नुकसान या फ़ायदा इसमें नहीं है, इसमें फ़ायदा या नुकसान है आपका ही है। और यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा ही है आपका, नुकसान नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई आपको, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से चीज़ें वापसी नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा जनवरी में ही कि मेरे एग्ज़ाम मई जून में है, ठीक है। और दोस्तों, थोड़ा बहुत एसओएल प्रशासन भी कॉपरेट कर रहा है आपके साथ, जैसे इन्होंने क्लासेस में की जो क्लासेस होती है, नंबर ऑफ़ क्लासेस वो बढ़ा दी हैं, और सिलेबस भी वो प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, स्टडी मटेरियल भी इस बार सितंबर के एंड से ही प्रोवाइड कर दिया, नहीं तो ये सब चीज़ें दिसंबर में होती हैं एनुअल बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आपको पता है बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये जो कोर्सेज होते हैं, इनका जो स्टडी मटेरियल होता है नवंबर दिसंबर में मिलना शुरू होता है,
लेकिन आपको तो सितंबर में ही मिल गया। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप इस सेमेस्टर सिस्टम को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से मत देखिए, प्लस पॉइंट भी इसके बहुत सारे हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे। आप कम से कम ये तो सोचिए कि आपकी जो तो डिग्री होगी उसकी वैल्यू रेगुलर कॉलेज के बराबर होगी। अगर आपका माइग्रेशन नहीं भी हो पाया लेकिन आपने CBCS सेमेस्टर सिस्टम से SOL से डिग्री प्राप्त करी है, तो उसकी वैल्यू इट इज़ एट पार विद रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इस सेमेस्टर सिस्टम का सपोर्ट करिए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट मत करिए। और जहाँ तक बात रही आपकी प्रिपरेशन की, तो जितना टाइम आप प्रोटेस्ट करने में लगाएंगे उससे ज़्यादा टाइम, उतना टाइम अगर आप अपनी स्टडीज़ पर लगाएंगे तो अब तक आपका सिलेबस कवर भी हो जाता। अगर ये मान के चले हम, अगर आपने DU के किसी रेगुलर कॉलेज में भी एडमिशन दिया होता तो वहाँ पर भी तो दोस्तों इतना ही टाइम होता पढ़ने के लिए, कि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता। इवन दोस्तों वहाँ तो रेगुलर क्लासेस भी आपकी लगती हैं, अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है जो कि आपको कंप्लीट करनी ही होती है। तो अगर हम रेगुलर स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें SOL के स्टूडेंट को, तो SOL के स्टूडेंट के पास टाइम ज़्यादा है स्टडी करने का। तो दोस्तों इस सेमेस्टर सिस्टम को आप पोस्टपोन मत करवाइए, इसको पढ़िए, इसी के अंदर आपका भला है, सबका भला है, जिसने भी SOL फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है। 26 अगस्त को आपको पता चल गया था, उसके बाद 3 महीने थे यार, 26 अगस्त से लेकर 26 नवंबर तक, 27 नवंबर तक 3 महीने हो गए पढ़ने के लिए, जो कि बहुत होते हैं। चार चार सब्जेक्ट हैं, 3 महीने में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और इवन प्रोग्राम के तो दिसंबर में स्टार्ट है, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के एग्ज़ाम तो 20 दिसंबर से हैं, उनके पास तो 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है। तो दोस्तों दिक्कत यहाँ पर यही है कि आपने अपने आप को प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व कर लिया, दूसरों के कहने पर आप अपनी राय बनाते हैं और आपको लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस सेमेस्टर सिस्टम के फेवर में होंगे, और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो किसी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे जैसे CA वगैरह, उनको ज़रूर दिक्कत आई है सेमेस्टर सिस्टम से, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन दोस्तों आपको अब मैनेज करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दें तो इससे होगा कुछ नहीं, ये जो दिक्कत है ये आगे आने वाले छात्रों पर चली जाएगी, आपसे हट जाएगी, बस यही इसका एक फ़ायदा होगा, बाकी इसका कुछ फ़ायदा आपके पास नहीं होगा। और नुकसान इसका ये होगा कि आपकी जो डिग्री है वही फिर आपकी पुरानी डिग्री रहेगी, वही पुराना सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, वही पुरानी तरीके से चीज़ें होंगी, रिज़ल्ट डिले होगा, एग्ज़ाम आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट उसका बहुत टाइम बाद आएगा। ये सब चीज़ें आप चाहते हैं कंटिन्यू रहें SOL में तो फिर तो पोस्टपोन करवा दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो और रिज़ल्ट भी जल्दी आए, दोस्तों SOL के ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि उनको पता होगा कि मई जून में हमारे सेकेंड सेमेस्टर होंगे, तो हमको एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है दिसंबर का वो जल्दी लाना है और जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करनी है। अभी रिसेंटली SOL द्वारा एक एक्शन लिया गया है, उन्होंने ईस्ट स्टडी सेंटर जो मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है ईस्ट स्टडी सेंटर का, वो साइन अप किया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से। तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपका ईस्ट स्टडी सेंटर भी खुल जाएगा और वहाँ पर भी आपकी क्लासेस लगा करेंगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक एग्ज़ामिनेशन ब्रांच भी उन्होंने खोलने की पूरी तैयारी में है, जिससे क्या होगा कि आपका जो चेकिंग प्रोसेस होगा और रिज़ल्ट प्रोसेस होगा, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन प्रोसेस, उसमें भी सुधार आएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार आएगा आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जब तक एनुअल मोड था तो बच्चों का रिज़ल्ट डिले होता था, पेपर अच्छा करके आते थे मार्क्स नहीं आते थे, इन चीज़ों पर कभी किसी ने केस नहीं करा। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ लेकर आया है SOL सेमेस्टर सिस्टम तो आप लोग केस करने पहुँच गए ये सब, तो ये सब मत करिए, अपने स्टडी पर फोकस करिए, वही आपके लिए बेहतर है। तो बस आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।